नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। रूस ने तजाकिस्तान भेजे नए टैंक, तजाकिस्तान ने तालिबान को दी चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि जब से तालिबान की सरकार बनी है तब से तजाकिस्तान से लेकर रूस को खतरा सता रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों के कब्जे के बाद भारत का दोस्त तजाकिस्तान अपने तेवर सख्त दिखाने में लगा हुआ है, क्योंकि तजाकिस्तान को पता है कि आतंकी हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं। तालिबान ने देश में अपनी अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों को बहुत कम ही जगह दी है और महिलाएं तो उसमें एक भी नहीं है। बड़े बड़े खूंखार आतंकी प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री बन गए हैं, जिससे ताजिकिस्तान भी भड़क गया है। ताजिकिस्तान ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को भी घेरने की कोशिश की और कहा कि पनसीर में तीसरे देश ने तालिबान को हमला करने में मदद की। इस बीच रूस ने ऐलान किया कि वह ताजिकिस्तान में साल के आखिर तक अपने सैन्य अड्डे पर 30 नए एडवांस टैंक भेजने जा रहा है। 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से हार कर बड़े बेआबरू होकर लौट गया। अब दुनिया को खतरा सता रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान अब आतंकियों का केंद्र बनेगा। बड़े बड़े आतंकी ग्रुप इसमें पलेंगे, बढ़ेंगे, ट्रेनिंग लेंगे और दुनिया के किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान से वापसी के बाद हाल में ही रूस ने तजाकिस्तान की सेना के साथ युद्धाभ्यास किया। रूस ने कई नए हथियार ताजिकिस्तान अपने बड़े विदेशी ठिकाने पर भेजे हैं। रूस को डर सता रहा है कि तालिबान के कब्जे के बाद उसका असर पूरे मध्य एशिया पर पड़ सकता है। रूस अपनी सुरक्षा के लिए एशिया मध्य के देशों तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की एक बफर जोन के रूप में देखता है। रूस को डर सता रहा है कि तालिबानी आतंकी ताजिकिस्तान के रास्ते उसके चेचनिया जैसे अशांत इलाके में घुस सकते हैं और फिर से खूनी खेल खेल सकते हैं। इसी बीच ताजिक राष्ट्रपति इमोमली रहमोन ने अपने देश में कट्टरपंथियों के उभार और उनकी विचारधारा को फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ताजिकिस्तान की अफगानिस्तान से जुड़ी सीमा करीब 3344 किलोमीटर है। इनमें से ज़्यादातर पहाड़ी सीमा है, जिस पर निगरानी करना बहुत ही मुश्किल काम है। रूस के सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के टैंक कमांडर हाने बेगलोव ने कहा कि 30 अत्याधुनिक टैंक ताजिकिस्तान के ठिकाने पर भेजे जाएंगे और वहां से पुराने हथियारों को हटाया जाएगा। रूस ने एक और सख्त कदम उठाते हुए तालिबान की सरकार बनाने के कार्यक्रम के न्योते को भी ठुकरा दिया और ये तालिबान के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि तालिबान चाहता था कि रूस, चीन, ताजिकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान उसके साथ रहें। रूस ने एक बार और सख्त कदम उठाते हुए तालिबान की सरकार बनाने के कार्यक्रम के न्योते को भी ठुकरा दिया था। इसके बाद अब ताजिकिस्तान ने भी अपना रुख सख्त कर दिया है। यही नहीं, ताजिकिस्तान के राज्य समिति सर्वोच्च धार्मिक प्राधिकरण ने तालिबान के अफगानिस्तान में उठाए कदमों को भी गैर इस्लामिक करार दिया है। रूस और ताजिकिस्तान के सख्त रुख से अफगानिस्तान में माहौल एक बार फिर से बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई है। रूस तो पहले ही न्योते को ठुकरा कर तालिबान को झटका दे चुका है और अब ताजिकिस्तान ने भी साफ कह दिया है कि किसी तीसरे देश ने हमला किया है पंजशीर पर, यानी ताजिकिस्तान का इशारा पाकिस्तान की ओर था और बिना नाम लिए ही पाकिस्तान को धो दिया, क्योंकि तालिबान की इतनी दम नहीं कि वो पंजशीर पर हमला कर सके। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने ही पंजशीर पर हवाई हमला किया था, जिसके बाद तालिबानी पंजशीर में घुसे थे। यानी अब तालिबान चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है। रूस, इंडिया, ताजिकिस्तान और अमेरिका, यानी सारे देश घेर कर तालिबान का खेल खत्म करेंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।